बाड़मेर एक्सप्रेस 1-2-3-2-3 आप यहावड़ा से हम लोग इसका जर्नी करने वाले हैं पंडित दीनदयाल यानी मुगल सराय तक। तो इसका जर्नी कैसा होगा आपको आगे चल के दिखाते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं अपने कोच में और आगे का क्या सीन होगा दिखाते हैं आगे। हेलो एवरीवन, तो आ गए हम अपने नए ब्लॉग के साथ वापस। तो आज करने वाले हैं हावड़ा टू पंडित दीनदयाल यानी मुगल सराय तक जर्नी और आपको ब्लॉग में दिखाएंगे कैसे कैसे आगे जाते हैं, आगे का क्या सीन होता है। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन हावड़ा में लगी हुई है, सारे लोग सीट पर बैठ चुके हैं और ट्रेन का नाम देख सकते हैं आप लोग, बाड़मेर एक्सप्रेस है। और यहाँ से हम लोग S16 कोच नंबर हमारा S6 है और सीट नंबर है 35 और 37। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे और सीन दिखाते जाएंगे। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं ये स्टेशन का हमारा व्यू है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं नेक्स्ट ट्रेन के लिए और हमारी भी ट्रेन अभी थोड़ी देर में खुल जाने वाली है, अभी थोड़ी देर में खुलेगी और हम लोग अभी चढ़ने के लिए रेडी है और काफ़ी लोग भी बैठ चुके हैं। और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको भी दिखाते जाएंगे कि ट्रेन का क्या व्यू बना हुआ है। अभी देख सकते हैं अभी सारा क्लीन है इधर में, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती जाएगी वैसे वैसे यहाँ का सारा नज़ारा आपको दिखेगा कैसा है। फिलहाल लोग बैठ चुके हैं और कुछ लोग अभी आ रहे हैं बैठने के लिए और जैसे जैसे बैठते जा रहे हैं अपना बैग वगैरह सामान लागेज सारा सेट कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी सेट हो गया है, अभी हम लोग बैठे हुए हैं जस्ट ब्लॉगिंग के लिए, थोड़ा बाहर में आया, थोड़ी देर में हमारी ट्रेन खुलने वाली है और दिखाएंगे बाड़मेर का जो जर्नी है काफ़ी सुंदर जर्नी है और ट्रेन भी सुपर फास्ट है, ज़्यादा स्टॉपेज है नहीं इसका और ये हावड़ा से खुलती है। इसका टाइमिंग मैं आपको बाद में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं अपने अपने ट्रेन के इंतज़ार में और ये देख सकते हैं ये अंदर का व्यू है। अभी मैं बाहर हूँ गेट के पास और ये बाहर से व्यू है हावड़ा स्टेशन का। तो ये हो गया आपका राइट साइड का, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का, देख सकते हैं अभी सुंदर व्यू बना हुआ है इनका। पास में लोकल ट्रेन भी जा रही है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वो लोग भी देखते हैं, वो हावड़ा की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद आए लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं है, फिर मिलेंगे, बाय बाय दोस्तों। और चलिए चलते हैं अपने सीट की तरफ और सीट की तरफ जाने के बाद अभी तो फिलहाल दिखा देता हूँ आपको इधर में क्या सीन बना हुआ है। लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं ट्रेन में, हॉकर वगैरह चाय कॉफ़ी ठंडा पानी बिस्किट वगैरह सारा चीज़ बिक रहा है अभी से। और यहाँ पे अभी टाइमिंग मेरा 6:40 हो चुका है अभी ट्रेन में, थोड़ी देर में ट्रेन खुलने वाली है और खुलने के बाद क्या सीन होता है आगे भी दिखाते हैं। अभी चलिए चलते हैं अपने सीट की तरफ और सीट का भी सीन दिखा, तो देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं कोच में अपने अपने सीट पर बैठ चुके हैं और शॉप वगैरह भी क्या है बातों करने के बाद आ जाने के लिए देख सकते हैं सीट पर बैठते हैं। अभी थोड़े देर बाद आगे का भी सीखा जाते हैं। फाइनली गाइज देख सकते हैं हमारा गाड़ी यहाँ से खुल चुका है हावड़ा से और नेक्स्ट स्टॉपेज आपको बताते जाएंगे जैसे जैसे हमारा स्टॉपेज आते जाएगा। और ये अभी व्यू बना हुआ है देख सकते हैं, रात का 6:50 हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं बैठने और जैसे जैसे जाएगा गाड़ी वैसे वैसे आपको दिखाते जाएंगे। हर हर महादेव। फाइनली दोस्तों हमारा डिनर कंप्लीट हो गया और अभी आसपास देख सकते हैं सारे लोग सोए हुए हैं बर्थ में और अभी हम भी जा रहे हैं सोने। प्लीज जर्नी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, मिलते हैं सुबह, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है।
तो देख सकते हैं रात का 2 बज चुका है और हम लोग गया जंक्शन पे रुके हुए हैं और इसका नेक्स्ट स्टॉपेज होगा पंडित दीनदयाल और पंडित दीनदयाल पे हम लोग को उतरना है। और देख सकते हैं ये रात का 2 बजे का व्यू है नया जंक्शन का और इसी के बाद आने वाला है पंडित दीनदयाल यानी मुगल सराय। देख सकते हैं काफ़ी लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं और ये रात का व्यू है। एक स्टॉपेज के बाद हम लोग उतरने वाले हैं और आगे का भी सीन दिखाते हैं क्या सीन होता है। फिलहाल चलते हैं अभी गाड़ी के अंदर, टाइमिंग हो गया है। उसके बाद फाइनली गाइज हमारा ट्रेन नया जंक्शन से खुल गया और नेक्स्ट स्टॉप जाने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो देख सकते हैं अभी गाड़ी और थोड़ी देर बाद यानी 4:30 बजे के बाद हमारा ट्रेन दीनदयाल पहुंच जाएगा, फिर वहां का व्यू आपको दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, देख सकते हैं नाइट जो होता है जा रहे भैया मुगल सराय। अभी तो स्टॉपेज इसके बाद ही है। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं अभी पंडित दीनदयाल स्टेशन। देख सकते हैं आसपास का व्यू, सारे लोग उतर चुके हैं और जा रहे हैं आगे की तरफ अपने नेक्स्ट मंजिल की तरफ। चलिए ये हमारा आ गया पंडित दीनदयाल स्टेशन, देख सकते हैं। देख सकते हैं पंडित दीनदयाल ओवर ब्रिज का व्यू है जिधर से हम लोग एग्जिट हो रहा है और जिस ट्रेन से हम लोग आए उसका नाम बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। काफ़ी अच्छा ट्रेन है, जर्नी भी काफ़ी कंफर्टेबल हुई और 6 स्टॉपेज भी ज़्यादा नहीं है। हावड़ा से 6 स्टॉपेज है, हावड़ा को छोड़कर 5 स्टॉपेज है। पहला स्टॉपेज है हावड़ा, दूसरा आसनसोल, तीसरा है झारखंड जंक्शन और चौथा है कोडरमा जंक्शन और पांचवा है गया जंक्शन, छठवा है पंडित दीनदयाल स्टेशन। तो इसका स्टॉपेज भी ज़्यादा नहीं है, पिकअप भी यानी स्पीड भी सही है इसकी और टाइमिंग पे गाड़ी पहुँच गई। 2-4-5 मिनट डिले थी लेकिन टाइमिंग से गाड़ी पहुंच गई और हम लोग अभी एग्जिट होंगे। एग्जिट होने को बाहर का व्यू दिखाते हैं। इस गाड़ी का टाइमिंग है 6:50 और यहाँ उतरती है 4:30 बजे पंडित दीनदयाल में और हावड़ा में 6:50 का टाइमिंग है। और अभी जा रहे हैं एग्जिट होने और बाहर से व्यू दिखाएंगे पंडित दीनदयाल का। फाइनली हम लोग बाहर निकलने ही वाले हैं और सीढ़ी से उतर गए हैं और बाहर निकल के आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं पंडित दीनदयाल का। चलिए ये स्टेशन का व्यू देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस ये पंडित दीनदयाल का बाहर का व्यू है, देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है पंडित दीनदयाल और ये
बाहर का व्यू बना हुआ है, अभी लाइट ऑफ की गई है, इंडियन फ्लैग भी लगाया गया हुआ है, काफ़ी बड़ा दिखते हैं। ये बाहर का व्यू है, इंडियन फ्लैग भी लगाया गया हुआ देख सकते हैं। ये भी ऑटो, तो गाइस फाइनली हम लोग सही सलामत, और डर भी लग रहा था जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उस बात से, रात को ट्रेन जब रात को चल रहे थे तो डर भी थोड़ा बहुत लगा, लेकिन फाइनली महादेव के दया से हम लोग सही सलामत पहुंच गए। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय गाइस।